गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, किमचो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज संडे है और मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि संडे के दिन मैं थोड़ा सा लेट रहता हूँ क्योंकि मैं बगैर अलार्म लगाए जो है वो सोता हूँ। तो आज मेरी नींद खुली 7:30 के आसपास, फिर उसके बाद जो है वो थोड़ा सा लेट हो जाता है आज। और मतलब मुझे लगता है कि आप लोग भी थोड़ा सा लेट ही उठते होंगे संडे के दिन। हालांकि विद्यार्थी जीवन में जो है, जो स्टूडेंट होते हैं उस जीवन में जो है वो आपको ना संडे समझ आता है, ना मंडे समझ आता है, ना सैटरडे समझ आता है। आपको हर दिन एक जैसा मेहनत करनी पड़ती है। और एक अच्छी बात बताऊँ आपको कि जब आप बहुत ज़्यादा व्यस्त होते हैं ना, ठीक है, आप दिन रात में, आप दिन में आपकी क्लासेस चल रही हैं, फिर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, देर लेट नाइट तक पढ़ रहे हैं, सुबह उठ के पढ़ रहे हैं, मतलब जब आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे होते हैं तो इसकी एक पॉजिटिव बात क्या होती है कि आपके पास उदास रहने का समय नहीं होता है। आपके पास में अनहैप्पीनेस के लिए, सैडनेस के लिए, डिप्रेशन के लिए वक्त नहीं होता है। सबसे अधिक उदास या डिप्रेस वो लोग होते हैं जो मेहनत थोड़ा कम कर रहे होते हैं। मेरी बात ध्यान सुनिए रखे, जो डिप्रेस्ड है, उदास है, जिसको जो है मन नहीं लग रहा है जिसका, तो ये वो लोग हैं जिन लोग के पास इतना वक्त एक्स्ट्रा मिल रहा है जहाँ पर वो उदासी के लिए सोच पा रहे हैं, जहाँ पर वो सोच पा रहे हैं अशांत मन के बारे में सोच पा रहे हैं। नहीं तो क्या होता है, जैसे मैं सच कहूँ कि जब मैं 2 दिन मुझे कंजक्टिवाइटिस हुआ और मैं जो है वो आई फील हुआ और घर में रहा मैं, तो मेरे को मतलब मैं पहली बार मैंने महसूस किया कि 5 नहीं बज रहा है, सुबह से 4 बजे 5 बजे, मतलब मैं 10 बार तो अपनी घड़ी देखा मैं, है ना, रिस्ट वॉच देखा, वॉल क्लॉक देखा। भारती को मैंने बोला यार तुम तो कैसे रहती हो अभी। भारती ने भी क्या है कि वो बड़ा वाला बेटा मेरा 10th में है तो उसके लिए चाइल्ड केयर लीव ले रखी कुछ दिनों के लिए, ताकि उसको ट्यूशन व्यूशन यहाँ पे स्कूल जाना पड़ता है, इसके बाद शायद से वो उसको ज्वाइन करना पड़ेगा। तो मैं बोलता तुम्हारा टाइम कैसे कटता हुआ, बोलती कि सच में मेरा समय कटने में दिक्कत होती है, तो मैं कुछ दूसरे काम करती रहती हूँ। कारण ये है कि जब आप बहुत एक्टिव होते हैं ना, तो आपके पास आपका समय खट 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 तेईस आगे निकल जाता है। आप बोलते हो सर हमको, हम सुबह क्लास शुरू करते हैं, 2 बज जाता है, फिर सर आराम खाना खा के थोड़ा आराम करते हैं, फिर सर स्टडी करते हैं, रात निकल जाती है, टाइम ही नहीं मिलता। यही अच्छी बात है, द गुड थिंग इन योर लाइफ इज दैट कि टाइम नहीं मिल रहा सोचने का, फालतू का सोचने का समय नहीं मिल रहा है, ना उदासी का समय मिल रहा है, ना मन की शांति के लिए समय मिल रहा है। दैट इज द मतलब बेस्ट एवर थिंग जो तुम्हारे साथ घट रही है। जब तुमको समय नहीं मिलता है ना, मतलब आपको लगता है कि हमको कपड़े धोने का वक्त भी नहीं मिल रहा है, हमको इस चीज का वक्त भी नहीं मिल रहा है, यकीन मानिए आपको उदासी का, डिप्रेशन का वक्त भी नहीं मिलेगा। डिप्रेस वो आदमी रहेगा जिसके पास में स्पेयर टाइम होता रहेगा। ये फैक्ट है, साइकोलॉजिकल फैक्ट है। जिसको लग रहा है कि मैं तो पूरे समय व्यस्त रहता हूं तब भी मैं डिप्रेस रहता हूं, तो गलत है सोच। आपको लग रहा है कि आप व्यस्त है पर एक्चुअली में व्यस्त नहीं है आप, तो खाली रहना बंद कर दीजिए। लाइफ में भी जो है वो आपको इस तरह के ट्रैप से बचना है जहां पर उदासी, डिप्रेशन, नेगेटिव थॉट, इससे बचना है तो अपने आप को व्यस्त कर लीजिए, इन्वॉल्व कर लीजिए। ये सच है। आपको बता दूं मैं कि जो है एक मैं कहीं रिसर्च पढ़ रहा था, तो उसमें उन्होंने जो है कुछ डिफेंस के ऊपर बाहर का फॉरेन का रिसर्च है कि सबसे अधिक सैनिकों के अंदर, जो आर्म फोर्सेस है सैनिकों के अंदर, डिप्रेशन कब आता है, सबसे अधिक डिप्रेशन शांति काल में होता है। जब कुछ नहीं हो रहा था, आराम से होते हैं, बॉर्डर पर होते हैं, तो उनको लगता है फैमिली की याद भी आ रही है, डिप्रेशन में हो रहा है, सबसे अधिक होता है। लेकिन जब देश में कुछ कंफ्लिक्ट की कंडीशन होती है, उनको मूव किया था यहां से वहां जाइए वहां से वहां जाइए, तो उनके ऊपर काम का दबाव होता है लेकिन वो डिप्रेस नहीं होते। वो मैं भी पढ़कर आश्चर्य में था कि क्या वाकई ऐसा सच है। तो सच्चाई तो ये है कि आपका जब दिमाग ऑक्यूपाई रहेगा ना, तो ये फालतू चीजें वो नहीं सोचेगा। फिर कई लोगों को लगता है कि सर हम जहाँ खड़े थे वहां से हम आगे नहीं निकल पा रहे, हमको लग रहा है कि हम पता नहीं अपने अंदर इम्प्रूवमेंट नहीं कर पा रहे। कल किसी का मैसेज देखा मैंने, उसने लिखा कि मेरे सर 480 नंबर 3 साल से आ रहे हैं, 480, 490, 500, फिर 480। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मैं क्या गलती कर रहा हूं। तुम 0 नंबर में पहुंच जाओ। मैं कहता हूं जीवन में जब कभी तुमको लग रहा है ना कि तुम आगे नहीं बढ़ सकते हो, तो अपने आप को 0 मान लो, 0 मान लो, और 0 से हमेशा अच्छा ही होता है, जो होगा 0 से अच्छा ही होगा। आप क्या करते हो, आप ना मीडियोकर स्टेट में जाके फंस जाते हो, जो मध्य मार्ग होता है, जो मीडियोकर स्टेट होती है, मध्यम विचारधारा जो होती है, वहां फंस जाते हो। कभी गौर करना, लाइफ में सबसे फास्ट सक्सेस जो है वो 2 तरह के लोगों को मिलती है। एक तो गरीब लोग जो होते हैं, जिन्होंने बहुत पॉवर्टी देखी होती है, तकलीफें देखी होती है, आम आदमी की जिंदगी का संघर्ष देखा होता है,
वो लोग तेजी से ग्रो करके ऊपर निकल जाते हैं कई बार। और दूसरा अमीर लोग, अमीर लोगों को पता होता कि ये इसको मेंटेन रखने का तरीका ये है, तो दे नो द फैक्ट ऑफ द ऑफ थिंग्स कि उनके पास उनके पैसा उनके लिए और पैसा कमा के लाता है। दे इन्वेस्ट मनी टू अर्न मोर मनी, दे इन्वेस्ट मोर मनी टू अर्न मोर मनी, ठीक है, ये अमीरों का तरीका है। और जो पुअर लोग होते हैं, जो हम्बल बैकग्राउंड से होते हैं, उनका तरीका ये है कि वो कुछ नया करते हैं, कुछ हासिल करने के लिए ज्यादा मेहनत करते हैं, देन दे अचीव थिंग्स। लेकिन जो मध्यम वर्गीय आदमी होता है ना, वो मध्यम वर्गीय में ही रह जाता है, वो पूरी जिंदगी उसकी एक पीढ़ी दो पीढ़ी तीन पीढ़ी मिडिल क्लास में चलती रहती है उसकी, ना बहुत अच्छा है ना बहुत बुरा, सब कुछ ठीक ठाक। लेकिन वो जो एक आउटस्टैंडिंग सक्सेस है ना, वो नहीं मिल पाती कभी, तो मिडिल मार्क हमेशा फंसा के रखता है। आपको लगता है कि मैंने जी फिर से शुरू किया सब कुछ, मैंने अपने आप को शून्य मान के शुरू किया, तो मेरे 480 नंबर का जो अहंकार था उसका क्या होगा? मेरा जो अहंकार सबको होता है, छोटा मोटा अहंकार सबको रहेगा, तुम्हारा पोर्टेबल वाला अहंकार होगा कि 480 नंबर आए मैं तो, मैं तो जब कोई 100 नंबर वाला मिलता होगा उसको अपन ज्ञान देने लगते हैं, ऐसा करो तुम ऐसे पढ़ लो, तुमने फिजिक्स में ये लगाया था खुद के 480 नंबर है, लेकिन अपन 200 नंबर वाले को ऐसा भर भर ज्ञान दे रहे, अगली बार 200 वाले के 650 नंबर आ गए, अपने फिर 480 रह गए, क्योंकि 200 वाला ओपन था टू रिसीव योर इनपुट, टू रिसीव अदर्स इनपुट, वो 200 नंबर वाला ओपन था कि मुझे क्या क्या सीखना कहां कहां से, लेकिन 480 नंबर वाला ज्ञान देने में व्यस्त है। याद रखिए, ज्ञान देने से सफलता नहीं मिलेगी, ज्ञान लेने से मिलेगी। डोंट टीच और प्रीच समबडी यदि आप उस लेवल तक नहीं पहुंचे, यदि आप उस लेवल तक पहुंच जाए तब कीजिए उस चीज के लिए। हम तो टीचर ही नाम इसलिए हम टीच कर सकते हैं, ठीक है, हम प्रीच भी कर सकते हैं, लेकिन यदि हम अपने समकक्ष डॉक्टरों को जाकर जो है वो अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं, वी कैन शेयर अवर एक्सपीरियंस एंड लिसन टू देयर एक्सपीरियंस ऑल्सो, लेकिन वी कैन नॉट से कि भी आई एम द परफेक्ट, अब तुमको ऐसे करना चाहिए, ठीक है, तुम ये गलत कर रहे हो। हम मेडिकल कम्युनिटी में हम लोग ये वर्ड यूज नहीं करते हैं, हम तो उस पेशेंट को उठा के भगा देते हैं जो दूसरे डॉक्टर की बुराई करता है, जो दूसरे डॉक्टर की बुराई करता है उठा के हम बोलते हैं उठाओ अपने कागज जाओ, डॉक्टर की बुराई नहीं सुनेंगे, अरे सर वो तो ऐसा, मैंने कहा नहीं वो तुम्हारी मर्जी थी, तुम चुन के गए थे, उनने ट्रीटमेंट सही दिया, मैं तो पहला सेंटेंस यही बोलता हूँ हर मरीज से कि तुम्हारा ट्रीटमेंट जो चल रहा था बिल्कुल सही चल रहा है, इसको अपन थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, पहले वाले डॉक्टर का भरोसा नहीं तोड़ता मैं, वो गलत हो जाएगा, तो ये चीज़ की का इम्पोर्टेंस है। तो इसलिए जो है ना, मतलब मध्य मार्ग पर मत पकड़ो, अभी आप क्या करो, आप जो है वो देखो कि कहाँ फंस गए, तो वापस जीरो पे आओ एंड री स्टार्ट वंस अगेन, फिर से शुरू करो। झूला झूला है कभी झूला? अरे सावन में झूले झूलने के कितने सारे गाने भी हैं, झूला झूले को यदि हमको आगे बढ़ाना हो तो झूले को पीछे लेके जाना पड़ता है, पीछे छोड़ दोगे तो तेज आगे जाएगा, बीच में रखोगे झूला तो क्या आगे पीछे होगा? नहीं होगा। बीच के झूला मत बनो, पीछे लेके जाओ फिर शुरू करो एक बार, ठीक है। तो जिन बच्चों को अभी रिविजन करना है उनको रिवाइंड टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहिए ताकि आपका रिविजन सिस्टमेटिक वे में हो। 15 दिन का गैप रखा गया है टेस्ट के अंदर, टेस्ट बिल्कुल टॉपिक वाइज टेस्ट रखे गए है ना, टॉपिक की पूरी लिस्ट दे रखी है आपको, तो आपको जो है वो कि आपको जैसे 15 दिन में 10 चैप्टर कवर करने, अगले 15 दिन में 10 चैप्टर फिर कवर करने, आपको ऐसे आपके टेस्ट लिए गए और टेस्ट पूरे एनसीईआरटी बैच ने, तो कम से कम रिवाइज करो चीज़ों को ठीक से। और यदि तुमको लगता है ना कि भैया आपने 400 नंबर का फोकस बैच को ज्वाइन कर लो, अभी वक्त नहीं हुआ है, अभी भी वक्त नहीं हुआ है, ज्वाइन कर लो भाई। पॉइंट ये है कि आपको जो है वो आपको ये नहीं, आपको क्या लगता है, आपको लगता है कि यार फला जगह 3000 में कोर्स दे रहे हैं, ये लोग 5-6 हजार रुपये कोर्स कर ले रहे हैं, आप देखो तो कि 6000-7000 रुपये में क्वालिटी क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या क्या उसमें से भी, मैं कहता हूँ 7000 रुपये में से भी 1800 रुपये तो 18% तो GST होता है, तो जो रिमेनिंग 5.5-6 हजार फीस है आप देखो उसमें 10 महीने क्या प्रोवाइड कर रहा है कॉन्टेंट आपको इंस्टीट्यूट। 500 रुपये मत देखो, 600 रुपये महीना वो मत देखो, मत ये देखो कि तुमको तुम उससे क्या हासिल कर सकते हो। आज MBBS की फीस जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के अंदर 20-21 लाख-25 लाख रुपए साल तक पहुंच चुकी है, मैं सोचकर आश्चर्य में हो कि 25 लाख रुपए साल भी फीस लग रही है, बच्चे भेजते रहते कहीं कहीं से सर ये फीस मिल रही है, ये फीस मिल रही है, गवर्नमेंट कॉलेज की फीस लाखों में पहुंच रही है। तो मतलब आप है ना, मतलब कहीं मैं और
कई जगह पहले, लेकिन जितना ऊपर रैंक होगी उतनी कम फीस देनी पड़ेगी आपको। तो मेहनत कर कर आप बहुत पैसे दें। जिस दिन आप MBBS में सिलेक्ट करते हो ना, आप 1.5 करोड़ के आदमी उसी दिन बन जाते हो। 1.5 करोड़ रुपए दूसरे किसी ने फीस भर के अपॉच करेगा MBBS, तुम उसको कर रहे हो सस्ते में, कुछ लाख रुपए, कुछ हजार रुपए में कर रहे हो। तुम सोच लो अच्छे से, डे वन पे आप करोड़ों रुपए के आदमी होते हैं। ये तो पैसा कमाने की स्कीम भी है, तो पढ़ लो, उतने उस वर्थ के आदमी बन जाओगे, लाइफ पूरी बदल जाएगी, है ना। तो इसलिए जो है ना, फंस कर मतलब शून्य से शुरुआत करो। भले से शून्य सबसे अच्छी संख्या है, वहां से शुरुआत करोगे तो जो है वो बहुत आगे जाओगे। बीच में कहीं फंसे मत रहो चीज को लेकर, ठीक है। और मैं हमेशा एक बात कहता हूं आपसे कि ऑलवेज ट्राई टू ओपन फॉर न्यू चेंजेस, हमेशा ओपन रहिए नए परिवर्तनों के लिए, नई चीजों के लिए, सीखिए चीजों को और भरोसा रखिए। जैसे मैं आपसे कहता हूं, तो मैं आपसे बिजनेस के लिए कुछ बात नहीं कहता हूं, मैं आपसे आपके भरोसे के लिए कहता हूं। तो बायोमेंटर्स अपने रिजल्ट के लिए जाना जाता है, और हमारे पास जितने अच्छे रिजल्ट वाले बच्चे जुड़ेंगे उतना हमको अच्छा लगेगा, उतना हमारा नाम होगा। नहीं जुड़ेंगे तो हमारा नाम खत्म भी हो जाएगा। तो मुद्दा ये है कि आप हमारे साथ में जुड़िए पूरी मेहनत करने के इरादे से। हम लोग यहाँ पे दुकानदार या ग्राहक नहीं है, हम यहाँ पे शिक्षक हैं और आप मेरे शिष्य हैं। कमांडर कमांडो कनेक्शन है, वैल्यू कीजिए इसका। चलिए, संडे एंजॉय कीजिए, पढ़िएगा, मेहनत कीजिएगा। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।